अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार व्लॉग लेके आए दोबारा, और वीडियो स्किप नहीं करनी, शुरू से लेके एंड तक देखनी है। चलें चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए अपने वीडियो की तरफ। आज दाल माश हम लेके आए हैं, जो आपको बना के बताएंगे कैसे बनती है, और बहुत ही मज़े की बनती हैं, और बिल्कुल देसी स्टाइल में गाँव में कैसे बनती है। सबसे पहले हमने ये आधा किलो जो दाल है यहाँ से भिगो के रख ली हुई है। उसके बाद हम इसमें क्या क्या मसाले ऐड करने वाले हैं वो आपको दिखाते हैं। चलते हैं मसालों की तरफ। सबसे पहले एक बड़े से साइज़ में टमाटर यहाँ पे हमने ले लिया है। उसके बाद हमने 3 से 4 मिर्चें यहाँ पे ले ली हैं। उसके बाद एक बड़े साइज़ में टमाटर ले लिया यहाँ पे, और लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया यहाँ पे। उसके बाद हमने 1 चम्मच नमक ले लिया है, 2 चम्मच मिर्चें ले ली हैं, और आधा चम्मच हल्दी का। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने ऑयल अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। उसके बाद हम लहसुन डाल लेते हैं इसमें। लहसुन डाल के हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से लहसुन फ्राई कर लेते हैं। हमारा जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो हो चुका है। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल लेते हैं। प्याज, मिर्चें और टमाटर होता है, इनको डाल के हम 1-2 मिनट इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हाँ ठीक, ये हमारे मसाले हैं जो अच्छे तरीके से ये सारे मसाले फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद हम इसमें दाल डाल देते हैं। दाल डाल के अच्छे से इसको देसी में फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम इस दाल को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट वेट दे लेते हैं, क्योंकि अगर वैसे रखेंगे तो थोड़ा सा टाइम ले लेगी वेट देने से, जल्दी हो जाएगा। बिना टाइम रह के इसको वेट देते हैं सिर्फ 2 मिनट। प्लेट खोलने के बाद हमारी दाल ऐसी हो गई है, और हम इसे 1-2 मिनट पका लेंगे प्लेट खोल के। ये छोटी सी रेसिपी आप लोगों के लिए जो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़े की है। जिसको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।